If you like my video, then subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss a video from Book Lover Kirti. Hello friends, welcome back to my channel Book Lover Kirti. आज हम पढ़ेंगे C language में functions के बारे में. तो फिर functions क्या होते हैं? जैसे कोई भी जब C language में कोई भी program बनाया जाता है, जैसे कि मैंने सामने ये program लिखा हुआ है. तो जब कोई भी program बनाया जाता है, तो वो functions मिलके ही बना होता है. जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन को आप ऐसे मानिए जैसे कि जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो अलग अलग हिस्सों उसमें अलग अलग हिस्सों में आप सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन को. जैसे आपने किसी का एलसीएम निकालना है, एसपीएफ निकालना है, कुछ भी करना होता है, तो पहले आप क्या करते हैं, उसके फैक्टर्स करते हैं. फैक्टर्स निकलते हैं, फिर आप उसके बाद क्या करते हैं, उसके एलसीएम निकालते हैं, एसपीएफ निकालते हैं. तो कोई भी जब क्वेश्चन जैसे सॉल्व होता है, तो वो अलग अलग हिस्सों में सॉल्व होता है. उसी तरह कोई भी प्रोग्राम अलग अलग हिस्सों में सॉल्व होता है. तो जो अलग अलग हिस्से होते हैं, वो प्रोग्राम में सी लैंग्वेज में उसके हिस्से कहलाते हैं. फंक्शन सॉल्व होते होते ही हमारा क्या होता है, हमारा आउटपुट हमारे पास आता है. तो सी लैंग्वेज में जो कोई भी प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम जो होता है, वो फंक्शन से मिलके बना होता है. अब देखिए, मैंने जो आपके सामने ये बेसिक सा मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, ये प्रोग्राम किस प्रोग्राम का मतलब मैंने परफॉर्मा लिखा हुआ है कि क्या है. कोडिंग करेंगे मैंने किसकी, मैंने ये कोडिंग करी है इसकी कि हमें सोनिया नाम प्रिंट करना है. एंड तो सबसे ऊपर मैंने क्या लिखा, कमेंट लिखा हुआ है ये स्लैश ये स्टार, इसके बाद राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंटर नेम. ये ऐसे ही मैंने कमेंट लिखा हुआ है कि क्या मतलब इसे कमेंट कहते हैं कि क्या इस प्रोग्राम में मतलब किस चीज का प्रोग्राम है. तो मैंने लिखा है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंटर नेम. हम नेम प्रिंट करने का ये प्रोग्राम है. आप कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें ये सब मतलब इसमें कुछ चीजें सब चीजें कॉमन होती हैं हर प्रोग्राम में. जैसे कि ये वाली लाइन हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, उसके बाद वॉइड मेन, फिर ये कर्ली ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद क्लियर स्क्रीन, इसको क्लियर स्क्रीन बोलते हैं ये प्रिंटर. फिर यहाँ पे जो हमने करना है ये मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंटर सोनिया, फिर ये गेट, फिर ये यहाँ पे हमारा कर्ली ब्रैकेट एंड, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो गया एंड. तो इसमें हर प्रोग्राम में जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो, तो उसमें कुछ चीजें तो आपको सेम लिखनी है. जैसे कि ये सेम चलेगा, ये हैज, ये दो जो हेडर फाइल्स हैं, ये तो जो है ये बिल्कुल सेम चलेगी, इनको हेडर फाइल्स कहते हैं. और जो ये वॉइड मेन हो गया, ये फंक्शन है, ये आप सेम रहेगा, ये कर्ली ब्रेसेस सेम रहेंगे, क्लियर स्क्रीन सेम रहेगा, बस ये जो बीच के प्रिंट है ये चेंज हो जाएगा. ये मतलब कुछ कुछ ये सेम है, जैसे ये आप ये और ये सब सेम रहेगा. जैसे ये है, अगर मैं इसको मिटा दूं जो मैंने लिखा हुआ है, तो ये हर प्रोग्राम में तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा. आपको हर प्रोग्राम में ये हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच आपको लिखना पड़ेगा, फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, ये और ये जो परफॉर्मा है ये बिल्कुल सेम चलेगा, फिर बीच का बदलेगा जो भी बदलेगा. तो आप इनको बिल्कुल आप इनको देख लीजिए कि ये जो है किसी भी प्रोग्राम में ये तो आपको लिखना ही नेसेसरी है, आपको लिखना ही लिखना होता है. हम अपना प्रोग्राम वापस से लिख देते हैं, यहाँ पे जो रह गया था प्रिंट एफ सोनिया. अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोग्राम जो है फंक्शन से मिलकर बना होता है. तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें फंक्शन कौन कौन है. एक तो सर वॉइड मेन, ये एक फंक्शन है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है. इसमें क्लियर स्क्रीन जो है ये भी एक फंक्शन है. उसके बाद आपका प्रिंट एफ है, ये भी एक फंक्शन है. और ये गेट जो है ये भी एक फंक्शन है. इन सबके अपने अपने काम होते हैं पर्टिकुलर, कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या काम होता है. तो ये जो होते हैं छोटे मतलब हर कोई जो फंक्शन होता है उसका हर फंक्शन का अपना अपना काम होता है. तो जो फंक्शन का जो काम होता है उसका हम नाम लिख देते हैं, और ऐसे करके जो फंक्शन है वो वर्क करता है. तो आपको पहले बता देती हूँ कि सी लैंग्वेज जो प्रोग्राम है कैसे मतलब कैसे करके मतलब वो कैसे एग्जीक्यूट होता है. सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोडिंग कर देते हैं. हम अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर में जब भी मतलब हम टर्बो सी प्लस प्लस ऑन करते हैं, उसमें हम अपने प्रोग्राम की कोडिंग कर देते हैं. उसके बाद क्या होता है, वो होता है कंपाइल. जो कंप्यूटर होता है वो उसको कंपाइल करेगा. आपको बता देती हूँ कि कंपाइल की शॉर्टकट की क्या होती है, जो है वो आपको याद होनी चाहिए. जब आपको प्रोग्राम कंपाइल करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस एफ नाइन. ऑल्ट प्लस एफ नाइन दबाएंगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा. और अगर आप कंट्रोल एफ नाइन दबा देंगे कंट्रोल प्लस एफ नाइन दबा के आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा. इससे तो वो क्या होगा, कंपाइल हो जाएगा और इससे वो रन हो जाएगा. ये दो की आपको याद रखनी होती है हर प्रोग्राम में, ठीक है. तो अब इसके बाद क्या होता है, फिर प्रोग्राम क्या होता है, वो प्रोग्राम कंपाइल होता है. प्रोग्राम जब कंपाइल होता है, कंपाइलेशन में क्या होता है कि जैसे हमने जो कोडिंग कर रखी है ये तो हाई लैंग्वेज में है,
तो जो हमारा कंपाइलर होगा वो क्या करेगा, उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा, यानी बाइनरी कोड में चेंज कर देगा, ताकि कंप्यूटर के समझ में आ जाए कि यार क्या लिखा हुआ है इसमें। जब कंपाइल हो जाता है, अब फिर कंपाइल होता है तो उसके बाद वो एरर वेरर ढूंढता है, एरर तो नहीं है, एरर होगा तो फिर हमसे एरर ठीक करने के लिए बोलेगा, अगर एरर नहीं है तो प्रोग्राम क्या होता है आगे बढ़ता है। फिर वो क्या करता है, ये जो हेडर फाइल्स होती हैं इनको क्या करता है, लिंक करता है हमारी हेडर फाइल, जो हमने इसको दी होती है ना, ये हेडर फाइल इसको इंक्लूड कर देता है इस हमारे इस प्रोग्राम में। उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होता है, फिर हमने जो भी दिया हुआ है, मान लीजिए हमने दो नंबर्स को प्लस करने के लिए अगर कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो हमने इसे लिखा है कि प्लीज एंटर नंबर ए नंबर बी, सब उसको जोड़ के दिखा देगा, तो ऐसे करके हम एंटर एंटर हमसे करने के लिए बोलेगा, फिर आउटपुट हमारा दिखाएगा, तो ऐसे ऐसे करके हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ता है। अब जब हम कोई भी, मैंने आपको बताया कि कोई भी जो प्रोग्राम होता है वो फंक्शन से मिलकर बना होता है, तो फंक्शन को पहले हम समझेंगे। आज हम सबसे पहले फंक्शन को समझेंगे कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, फंक्शन का क्या रोल होता है प्रोग्राम में, किसी प्रोग्राम में। तो पहले आपको बता देती हूँ फंक्शन कौन कौन है। एक तो वॉइड में, ये अपने आप में फंक्शन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है। एक आपका क्लियर स्क्रीन, ये भी एक फंक्शन है, प्रिंट एफ भी फंक्शन है, गेट भी फंक्शन है, इन सब की क्या है, इन सब का हमारा रोल है। तो क्या रोल है, ये क्या होते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। तो पहले हम समझते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं। मेनली जो फंक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते, क्या होते हैं दो टाइप। पहला होगा हमारा, मुझे डिफाइन पहले प्री डिफाइन बता देते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन, दूसरा होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा, इससे हर साल क्वेश्चन आता है, फंक्शन के टाइप बताइए आप, पहचानिए कौन सा फंक्शन है, यूजर डिफाइंड है, कैसा फंक्शन है, कुछ भी, मतलब आपको कोई ना कोई क्वेश्चन तो दिख ही जाएगा, 5-10 नंबर का क्वेश्चन इससे आता ही आता है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का बेस है। तो अब हम पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी काम, मतलब जो प्रोग्राम होता है वो फंक्शन अलग अलग जो हिस्सों में, जैसे प्रोग्राम सॉल्व होता है तो फंक्शन अलग अलग फंक्शन जो होते हैं वो उनको लेकर सॉल्व होता है। तो हर फंक्शन का, मैंने आपको बताया कि हर फंक्शन का अपना अपना काम होता है, तो जिस टाइप का, जो फंक्शन का जैसा काम होगा वो उसी टाइप की हेडर फाइल में वो होगा, उसी टाइप की हेडर फाइल में, मतलब कोई फाइल होगी ना, जैसे हेडर फाइल्स ऐसी फाइल्स होती है कि उसमें वो वाला जो आप फंक्शन दोगे वो फंक्शन क्या है, उसका क्या काम है, वो सब उसके हेड, उस हेडर फाइल के अंदर सब लिखा होता है, उसके अंदर जो बता पाए टर्बो सी प्लस होती है उसमें हेडर फाइल्स होती हैं। तो उसमें जो होता है हर हर फंक्शन के, हर फंक्शन को जो जिस टाइप का फंक्शन होगा वो उस टाइप की हेडर फाइल में होगा। जैसे कि इनपुट और आउटपुट के जो फंक्शन होते हैं, इनपुट और आउटपुट के जो फंक्शन होते हैं, इनपुट आउटपुट के जो भी फंक्शन होंगे वो हमारी स्टूडियो डॉट एच नाम की हेडर फाइल में होंगे, और जो आपके, जैसे आपके वाले फंक्शन हो गए, आपकी क्लियर स्क्रीन हो गया, आपका गेट हो गया, आपको बताऊंगी क्या होते हैं जो गेट, ये फंक्शन हमारे ऑनियो डॉट एच नाम की हेडर फाइल में होंगे। तभी मैंने अपने प्रोग्राम के ऊपर वहां पे उस टाइम में क्या लिखा था कि हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और हैज इंक्लूड ऑनियो डॉट एच, इनको जो है सबसे, इनको जो है हेडर फाइल्स क्यों कहा जाता है, ये भी आता है कि ये जो, मतलब जो फंक्शंस होते हैं ये इन हेडर फाइल्स में होते हैं, तो इनको हेडर फाइल्स क्यों कहा जाता है, जो स्टूडियो डॉट एच है, जो पॉनियो डॉट एच था, वो उसको हेडर फाइल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो हेडर फाइल्स इनको इससे कहा जाता है क्योंकि वो किसी भी प्रोग्राम के टॉप पर लिखी जाती है या हेड पर लिखी जाती है और सबसे पहले लिखी जाती है। जब मैंने लिखा था यहाँ पे हैज, जैसे मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, मैंने लिखा था हैज डिफाइंड, मैंने लिखा था हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और फिर मैंने उसके नीचे लिखा था हैज डिफाइंड हैज इंक्लूड ऑनियो डॉट एच, मैंने ये लिखा था सबसे पहले ऊपर। तो वो क्यों लिखा था, क्योंकि ये हेडर फाइल्स होती है, हेडर फाइल्स यानी हेड, यानी कि सबसे ऊपर और सबसे पहले ये लिखी जाती है किसी भी प्रोग्राम में। क्यों लिखी जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो भी आप प्रोग्रामिंग में जो भी फंक्शंस देंगे तो वो इन फाइल्स के अंदर होते हैं। तो जब भी हमारा, मैंने आपको बताया था कंपाइलर जब कंपाइल करता है तो जो इन हेडर फाइल्स होते हैं इनको लिंक कर देता है हमारे प्रोग्राम के साथ। मैंने जैसे मैंने इनपुट आउटपुट की कौन सी, प्रिंट एफ मैंने आपको बताया था, वहां पे प्रिंट एफ लिखा था ना मैंने प्रोग्राम में, तो प्रिंट एफ जो होता है उस, वो क्या होता है आउटपुट, आउटपुट देने का काम करता है, बाद में बताऊंगी। तो वो जो होता है वो स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर होता है। गेट हो गया और क्लियर स्क्रीन जो फंक्शन है वहां पे लिखा था, वो सब क्या होता है, वो ऑनियो डॉट एच फाइल के अंदर होता है। उसकी वो है क्या चीज, वो हमें उस प्रोग्राम में, हमें कोडिंग में पूरे बताने की कोई जरूरत नहीं होती है कंप्यूटर को कि वो क्या है,
वो खुद ही इस फाइल में जाएगा, उसमें जाके खुद पढ़ लेता है वो कि अच्छा इसका मतलब ये है, तो हम उस फाइल का नाम कर देते हैं इंक्लूड का मतलब क्या होता है, उस फाइल को इंक्लूड करना। तो हम जब बोलते हैं कि हम लोग लिखते हैं कि हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एस, यानी उससे वो फाइल जो है हमने इंक्लूड करवा दी वो फाइल स्टूडियो डॉट एस की फाइल, इसके अंदर सब लिखा हुआ है इनपुट आउटपुट के जो भी फंक्शन होंगे वो क्या होते हैं वो कैसे काम करेंगे वो सब इन फाइल में लिखा होगा, तो इसलिए ये हेडर फाइल ये होती है। फिर मैंने आपको हम बात कर रहे थे इसके बारे में फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन जो होते हैं वो पर्टिकुलर कोई भी फंक्शन होगा वो अपना मतलब पर्टिकुलर किसी काम के लिए एक फिक्स फंक्शन होता है कि हाँ ये वाला फंक्शन यही वाला काम करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया प्रिंट एप जो फंक्शन होता है वो किसका काम करता है, प्रिंट करने का काम करता है। क्लियर स्क्रीन जो फंक्शन, मैं आपको फंक्शन के बारे में बता देती हूँ। जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं पहले बता देती हूँ उसके बाद बता दूंगी वो क्या काम करते हैं। जैसे पहले आता है प्री डिफाइंड फंक्शन, ये फंक्शन जो होता है वो क्या काम, प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो पहले से ही यूजर के लिए बनाए गए होते हैं, ये हमने नहीं बनाए उसका नाम ही प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये पहले से डिफाइंड होते हैं कि क्या, तो ये मतलब हमें बनाने नहीं पड़ते, हम बस उनका नाम लिख देंगे फिर हम उसको इंक्लूड करा देंगे फाइल में अपनी, तो वो अपने आप अपने हिसाब से जो है काम कर लेगा। इनको इनमें कौन कौन आता है, इनमें एक प्री डिफाइंड फंक्शन में एक तो प्रिंट एफ आ जाता है आपका, प्रिंट एफ जो हो गया वो प्री डिफाइंड फंक्शन हो गया। ये जैसे प्रिंट एफ हो गया आपका प्री डिफाइंड फंक्शन हो गया, आपका जो गेट हो गया वो भी प्री डिफाइंड फंक्शन है, आपका क्लियर स्क्रीन हो गया और आपका जो है बस अभी तो तीन और भी होते हैं लेकिन मेन जो मैंने आपको उस प्रोग्राम में दिखाए थे वो यही थे। तो ये तीनों क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। और एक किस हेडर फाइल में होते हैं ये मैंने आपको बताया, ये होते हैं स्टूडियो डॉट एच नाम की हेडर फाइल में ये होते हैं। तो ये काम क्या करते हैं, जैसे जो प्रिंट एप होता है, प्रिंट एप क्या करता है, प्रिंट एप जो फंक्शन होता है ये आउटपुट, ये जो आउटपुट जो भी होगा प्रिंट करने का काम करेगा। गैच जो होता है, जो गैच होता है मैं आपको प्रोग्राम बना के बता देती हूँ कि कौन क्या काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोग्राम, मैंने आपको फिर से कोई प्रोग्राम लिख के बता देती हूँ जो मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर मैंने लिखा था हैज इंक्लूड ऑनियो डॉट एच, फिर उसके बाद मैंने लिखा वॉइड मेन, void main के बाद मैंने यहाँ पे लिखा था क्लियर स्क्रीन, फिर मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर मैंने सोनिया प्रिंट करवाया था और फिर मैंने यहाँ पे गेट फंक्शन दे दिया था। फिर ये यहाँ पे अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से फंक्शन का क्या काम होता है। जैसे पहले कि आपका आता है, ये आपका आता है क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन ऐसे काम आता है जैसे आपने दस अपना प्रोग्राम रन करवाया, आपने एक बार उसको रन करवा दिया तो आपने से एक बार ये सोनिया प्रिंट कर देगा, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसी प्रिंट करेगा वो। आपने अपना कंट्रोल F9 दबाया तो उसने प्रिंट उसको दिखा दिया आपका आउटपुट की सोनिया लिखा हुआ दिखा देगा। अब क्या होगा फिर आप दोबारा से एक बार फिर आप चाह रहे हो मैं फिर से रन करवाऊँ उसको प्रोग्राम को, अब दोबारा से रन करवाओगे तो क्या होगा, अगर आपने क्लियर स्क्रीन यहाँ पे नहीं लिख रखा है, अगर आपने ये क्लियर स्क्रीन यहाँ पे नहीं लिख रखा है, ये फंक्शन नहीं दिया है, तो वो पुराना वाला जो आपने सोनिया लिखा था वो ऐसे रहेगा, वो उसके आगे प्रिंट कर देगा दूसरा सोनिया, लेकिन पुराना जो आपका जो पहले आपने देखा हुआ था जो आउटपुट उसने दिखाया था उसको वो क्लियर नहीं करता है, तो उसको क्लियर करवाने के लिए हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, जो कि होता किस फाइल के अंदर है, इस फाइल के अंदर होता है। तो इसी के लिए इस फाइल के अंदर तो ये फाइल हमने उसका नाम यहाँ पे पहले ही वो फाइल हमने यहाँ पे इंक्लूड करा के रखी होती है कि कंप्यूटर को पता लग जाए कि हाँ क्लियर स्क्रीन इसमें क्या लिखा है, तो ये फाइल के लिए ये क्लियर स्क्रीन क्या है ये इस फाइल में खुद ही ढूंढ लेगा कंप्यूटर, अच्छा कि इसमें है ऑनियो डॉट एच फाइल जब इसमें इंक्लूड हो जाएगी तो उसमें खुद ही ढूंढ लेगा, अच्छा इसका मतलब ये है कि मुझे क्या करना है, तो पुराना जो हमारा पहले आउटपुट आ रखा है पुराने प्रोग्राम का आउटपुट उसको मिटा देगा, नए प्रोग्राम जब नए बार आप उसको कंपाइल करोगे रन करवाओगे तो नया आउटपुट को प्रिंट करेगा। उसके बाद हमारा जो आता है फिर वो आता है आपका प्रिंटर फंक्शन क्या करता है, जो प्रिंटर फंक्शन होता है इसका जो हमारा जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है कि आप प्रिंटर लिखोगे उसके बाद आप रेडी करके यहाँ पे जो डबल क्यूट्स आएंगे जो डबल ऐसे कॉमा आते हैं तो उसके अंदर जो भी लिखा रहेगा एज इट इज वो वहां पे हमारे जो हमारे मॉनिटर होता है उसका एज इट इज डिस्प्ले होगा जो भी इसके अंदर लिखा होगा। प्रिंटर जो ये जो हमारा जो फंक्शन होता है इसका काम होता है कि जो डबल क्यूट्स लगे होते हैं इसके अंदर जो भी लिखा है उसे एज इट इज हमारी कंप्यूटर की मॉनिटर पे उसको डिस्प्ले कर देना। तो
फंक्शन है ये प्रिंटर का, ये काम होता है। प्रिंटर मैंने आपको बताया क्या है, इनपुट आउटपुट, कौन सी आउटपुट फंक्शन है, आउटपुट है, आउटपुट फंक्शन किसके अंदर होता है, इसको .s फाइल के अंदर होता है। फिर अब आता है गेट। अब गेट का क्या काम होता है कि जैसे आपने अपना, जैसे आपने दो, जैसे आपने सोनिया लिख दिया, सोनिया आपका आगे, आपने करा दिया आपका सोनिया लिखा हुआ आगे। अब क्या होगा अगर, जैसे ये क्या करेगा, जैसे कंप्यूटर अगर आपने गेट नहीं लिखा है, अगर आपने गेट नहीं लिखा तो क्या होगा, सोनिया आते ही वो वापस प्रोग्राम फिर से अपनी कोडिंग वाला आपको बेस दिखा देगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि अगर सोनिया, मतलब जब मेरी मर्जी हो तब जा, तब तक जब तक आपका मन है, आप अपना आउटपुट देखना चाहते हो, उसको सोचना चाहते हो उसके बारे में कि मतलब कैसा लिखा है, मैंने गलत तो नहीं बनाया, मैंने ऐसा तो नहीं लिखा था, या आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया आप उसको जज कर रहे हो, देख रहे हो कि मैंने सही बनाया नहीं बनाया, तो ये उसको जब तक आपकी मर्जी आप अपने प्रोग्राम को होल्ड करके रहना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे गेट फंक्शन दिया जाता है। जो गेट फंक्शन है तभी दिया जाता है जब तक आपकी मर्जी है, तब तक आप अपने प्रोग्राम के आउटपुट को होल्ड कर सकते हो। तो ये जो होता है, लेकिन तब तक होल्ड कर सकते हो जब तक आप कोई अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस नहीं करते, तब तक आप अपने कंप्यूटर में अपने कीबोर्ड में एंटर नहीं दबाते, कोई भी की यानी की जब आप प्रेस कर दोगे तब जाके जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट होगा, वापस अपने फिर से कोडिंग वाला पेज में खुल जाएगा, उसके लिए हम ये गेट लिखते हैं। तो ये कितने इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको क्या, सबसे पहले मैंने आपको क्या, और जो गेट होती है, गेट किसके अंदर, ये भी बॉन्डो के अंदर होती है। अब मैंने आपको क्यों बताया था मैंने कि ये सब इंपॉर्टेंट होता है, देखिए अगर आप studio.s नहीं लिखेंगे, conio.s नहीं लिखेंगे, तो जो भी आप क्लियर स्क्रीन प्रिंट एक्स गेट ये जो भी लिखेंगे कंप्यूटर को, ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसको समझ में नहीं आएगा आपने क्या लिख रखा है। जो ये उसको तभी समझ में आएगा जब आप इन दोनों फाइल्स को उसमें इंक्लूड करेंगे, तो ये आपको इंक्लूड करनी ही करनी पड़ती है। तो जब आप इंक्लूड करोगे तो फिर आपसे जो कुछ भी, मतलब जो जो फाइल्स के अंदर आता है, जब भी आप उनको लिखोगे तो उसको खुद उसको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि अच्छा प्रिंट एक्स का मतलब ये है, क्लियर स्क्रीन का मतलब ये कि मुझे स्क्रीन क्लियर करनी है, गेट्स का मतलब ये कि अच्छा मुझे प्रोग्राम तब तक रोके रखना है जब तक वो एंटर की नहीं दबाएगा, प्रिंट एक्स का मतलब भी समझ में आ जाएगा कि डबल क्वोट के अंदर जो लिखा हुआ है मुझे सिर्फ उतना ही प्रिंट करना है। तो ये हेडर फाइल जो थी ऐसे ही होती है। उसके बाद अब मैंने आपको बता दिया प्री डिफाइंड फंक्शन कौन कौन है, अब मैं आपको बताती हूँ कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन कौन से होता है। अब हमारा दूसरा फंक्शन का टाइप क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं वो फंक्शन होते हैं जो यूजर अपनी सुविधा के खुद के लिए बना देता है, वो जो प्रोग्राम उसको चाहिए वो उसी, मतलब जिस टाइप की उसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो अपनी सुविधा के लिए बना लेगा उसमें, कि हाँ उसको जो रिजल्ट चाहिए उसी टाइप के लिए वो अपना बना लेगा। हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा था, जो मैंने लिखा था वहाँ पे वॉइड मेन फंक्शन, वॉइड मेन फंक्शन जो होता है एसक्यूएल कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है, फिर एसक्यूएल क्या आता है, फिर एसक्यूएल यहाँ पे एंड हो जाता है, तो ये भी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, क्योंकि ये हमने अपने प्रोग्राम में जो हमें चाहिए था रिजल्ट उसके लिए बनाया था ना, तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। अब एक चीज और है कि हमारा स्टेटमेंट ब्लॉक क्या होता है, ये भी समझना जरूरी है। स्टेटमेंट ब्लॉक क्या होता है, स्टेटमेंट ब्लॉक ऐसे होता है कि जैसे आपने यहाँ तक, जैसे मैंने लिख दिया था, जैसे ये दो फाइल्स मैंने दी थी यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था हैज, जैसे मैंने कोई वाला प्रोग्राम में फिर से लिख ली, मैं आपको बता दूँ स्टेटमेंट ब्लॉक क्या होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे लिखा void main, फिर जब मैंने यहाँ पे लिख दिया था clear screen, फिर मैंने जब यहाँ पे लिखा था print है सोनिया, फिर मैंने यहाँ पे गैस लिख दिया था, गैस फंक्शन दे दिया था, और फिर मैंने यहाँ पे प्रोग्राम एंड कर दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है, जैसे जब आप प्रोग्राम को क्या करते हैं, आपने प्रोग्राम की कोडिंग करी, कंपाइलर ने उसको कंपाइल करा, उसने कंपाइल करते टाइम फिर क्या करा, कोई भी एरर नहीं था तो उसने ये जो है, ये जो हेडर फाइल थी, जो हमारी हेडर फाइल थी, ये इंक्लूड कर दी हमारे प्रोग्राम में। फिर क्या करता है कि प्रोग्रामर जब उसको जब कंपाइल करेगा ना, तो उसको जब एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा प्रोग्राम को, तो वो सबसे पहले void main को ढूंढता है। जो ये void main होता है वो यहीं से कंपाइलिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करता है कि भाई इसने कर क्या रखा है प्रोग्राम में, क्या करना है अब मुझे क्या करना है। तो ये जो कंपाइलर होता है, इसके बाद से ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं, इसके बाद से स्टार्ट करता है अपनी सारी प्रोसेस को आगे स्टार्ट करता है, वो क्या करना है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर जो ये होता है ना, जो बीच में लिखा रहता है, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ब्लॉक, इसको स्टेटमेंट ब्लॉक कहा जाता है। स्टेटमेंट ब्लॉक ये होते हैं जिसमें सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेटमेंट लिखे रहते हैं। इन्हीं स्टेटमेंट ब्लॉक में जो होता है, इस सेक्शन को स्टेटमेंट ब्लॉक कहा जाता है, जिसमें की सारी प्रोसेस होती है कि क्या है करके, ये इसी में चलेंगे सारी प्रोसेस, जहां कर्ली ब्रेसेस खत्म होंगे वहीं पे हमारा प्रोग्राम क्या, तो वहीं पे एंड हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक होता है जहां पे हमारे
काम होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और, एक हैज डिफाइन भी आपको देखने को मिलेगा। कितनी जगह जब आपको ऊपर हेडर फाइल्स दी होंगी ना, दो, जब आप प्रोग्राम बनाओगे कोई, तो जैसे आपको हेडर फाइल्स दी होती है, जैसे दो हेडर फाइल आपने इंक्लूड कर दी, आपने यहाँ पे इंक्लूड करी थी स्टूडियो डॉट एच, फिर आप इसे इंक्लूड करोगे हैज इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, फिर कितनी कितनी बार हैज डिफाइन डिफाइन करके आपको कोई वैल्यू, जैसे पाई की वैल्यू देखते हैं कितनी बार ऐसे करके समथिंग कुछ। तो ये क्या होता है, हैज डिफाइन क्या होता है, हैज डिफाइन इसमें ये होता है कि जैसे मान लो आप कोई भी वैल्यू ऐसी जो बार बार आप अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हो, अभी तो एक फ्रेंड अभी बहुत नॉर्मल सा प्रोग्राम था, मैंने सोनिया नाम की, सोनिया नाम प्रिंट करने के लिए कहा था। अब इससे और भी फंक्शन होते हैं, जैसे मान लो आप किसी मल्टीप्लीकेशन का बना रहे हो, टेबल टेबल वगैरह प्रिंट करवा रहे हो, कोई भी मतलब किसी भी प्रोग्राम की आप कोडिंग कर रहे हो, अगर कोई मतलब कोई भी जैसे कोई टर्म बार बार आ रहा है और वो मतलब जैसे इस सेट उसकी मतलब कंफ्यूजिंग करने वाला कोई बहुत बड़ा नंबर आपको बार बार लिखना है और आपके भूलने के चांसेस हैं, आप अपनी सुविधा के लिए क्या करते हो, उसको पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर देते हो कि डिफाइन पाई, उसे हैज डिफाइन पाई कहते हैं कि जहां जहां पे ये वैल्यू आएगी वहां वहां पे मैं पाई लिखूंगा, तो पाई का मतलब ये होगा। वो एक बार ऊपर ही बता देगा प्रोग्राम शुरू करने से पहले, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा, फिर वॉइड में ही लिख देगा वो, वॉइड में लिखने के बाद यहाँ से उसका प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो गया, ये होगा स्टेटमेंट ब्लॉक आ गया, यहाँ पे प्रोग्राम खत्म। तो वो पहले ही बता देता है कि अगर मैं इसके अंदर स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर कहीं पे पाई लिख रहा हूँ तो पाई का मतलब ये है, बार बार वो ये नहीं लिखेगा फिर, तो इसको ये यहाँ पे हैज डिफाइन का रोल यहाँ पे ये होता है। तो अब मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि मैंने हमने आज क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि पहले भी हम किसी प्रोग्राम, कोई भी जो हमारा प्रोग्राम होता है सी लैंग्वेज में, वो फंक्शन से मिलकर बना होता है। जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोग्राम के हिस्से जो होते हैं उसको बोलते हैं, मतलब किसी छोटे छोटे हिस्सों को सॉल्व करके कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है, उसी तरीके से फंक्शन को सॉल्व करके हमारे प्रोग्राम सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करता है, हमारे कोड को रीड करेगा, उसके उसको कंपाइल करेगा, कंपाइल करने में वो देखेगा कि अगर सब कुछ सही है तो जो हमने इंक्लूड वाली जो फाइल मैंने आपको बताई थी, तो उन फाइल्स को उनको लिंक कर देगा वो स्टूडियो डॉट एच कॉन्यू डॉट एच। उसके बाद वो वॉइड मेन के बाद क्या करेगा, वॉइड मेन की जो स्टेटमेंट ब्लॉक में जो जो लिखे रहते हैं उन सबको क्या है, कंपाइल करना शुरू करेगा, आगे एरर होगा एरर आपको बता देगा, उसके बाद आपको आउटपुट दिखा देगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी लैंग्वेज के बारे में और जानेंगे कि आगे प्रोग्राम कैसे बनेंगे और इसमें क्या क्या होता है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।